I'll just drift the question. Sun to lo, sun to lo. अक्षय कुमार को क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि उन्हें कोई सुन तो ले? सुन तो लो। अक्षय को कहां और किस इवेंट में बोलते हुए इग्नोर फील हुआ, और अक्षय के इस हिलेरियस वीडियो पर फैंस और नेटिजन्स कैसे कर रहे हैं रिएक्ट। साथ ही स्टोरी में आपको बताएंगे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्मों के बाद अब अक्षय की कौन सी अपकमिंग फिल्म डील करने जा रही है सेक्स एजुकेशन के सेंसिटिव टॉपिक से, और कौन है ये जो अक्षय के फिर हेरा फेरी वाले अंदाज में पोज करते नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने रिसेंटली जेड्डा में चल रहे रेड सी इंटरनेशनल अवार्ड का एक खास सेशन अटेंड किया। इस दौरान अक्षय उनकी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पर बेस्ड फिल्म्स को ऑडियंस से मिले एक्सेप्टेंस के लिए थैंक्स भी कहते नजर आए। लेकिन जब स्टेज पर सेशन की मॉडरेटर आपस में बात करने लगे तो अक्षय ने फील किया इग्नोर्ड। उसके बाद जो हुआ वो इस हिलेरियस वीडियो के तौर पर सबके सामने है। अक्षय के इस वायरल वीडियो पर नेटिजन्स काफी मजेदार रिएक्शंस दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, AK, आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई कुडंट बीट SRK। इसी बीच अक्षय कुमार ने उनकी अपकमिंग फिल्म ओ माय गॉड 2 को लेकर भी बात की है। रिपोर्टेडली अक्षय ने रिवील किया कि OMG की ही तरह ये फिल्म भी होगी एक कोर्टरूम ड्रामा। लेकिन इस बार प्रोटैगनिस्ट स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के लिए फाइट करता नजर आएगा, और अक्षय कुमार के साथ साथ जेड्डा से आया है डिलाइटफुल वीडियो भी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज से फैंस के साथ शेयर किया है। वीडियो में अक्षय का एक फैन खुद अक्षय के सामने ही उनकी फिल्म हेरा फेरी वाले अंदाज में पोज करता नजर आ रहा है। वेल, वी आर श्योर स्टेज पर इग्नोर फील करने के बाद इस डिलाइटफुल वीडियो ने अक्षय कुमार को सचमुच ही खुश कर दिया होगा। सुन तो लो। अक्षय कुमार।